बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी में। मेरा पहला सवाल, आपके क्या इंप्रेशन है इस बजट को लेकर? देखिए, ये बजट एक नए भारत को बनाने वाला बजट है। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रोग्रेसिव बजट है। उसके कुछ खास कारण हैं। एक तो ये कंजम्पशन को ड्राइव करेगा, और जब कंजम्पशन को ड्राइव करता है बजट, तो उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उससे आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो और ग्रोथ होगी, और ये ज़रूरी था कि बजट के थ्रू हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करें। दूसरा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत फोकस है, और 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, 33% ग्रोथ, और 3 साल लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है बजट में। इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में जब डेवलप होगा, रेलवेज, रोड्स, हाईवेज और एयरपोर्ट्स, 50 एयरपोर्ट्स, तो उसका बहुत डीप इम्पैक्ट आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। और जब देश बढ़ता है अगले 3 शतक के लिए, तो वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर डेवलप होता है। और तीसरी चीज़ मेरे विचार से जो सबसे महत्वपूर्ण है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत डिसिप्लिन रखी है। फिस्कल इम्बैलेंस जो था, फिस्कल डेफिसिट, उसको 6.4 से 5.9, और आगे एक रोड मैप बताया है 4.5% पर लाने का। उससे भी क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग कम होगी, प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग बढ़ेगी, और भारत में प्राइवेट डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, तो उससे प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो बजट की दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो बजट ड्राइव करता है डिजिटाइजेशन को, टेक्नोलॉजी में कैसे हम एक लंबी कदम ले आगे, और दूसरा कि ग्रीन ग्रोथ पे जो फोकस रहा है, क्योंकि आगे चल के जब तक हम अपनी इकोनॉमी को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ना बनाएं और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ना बनाएं, तो बहुत मुश्किल होगा एक्सपोर्ट करना। तो इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच अमृत का कमिटमेंट दिया है, उसके लिए ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ और इंडिया की ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है। तो ये बजट मेरे विचार से तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक बजट है। सर, जो ये बजट पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ाया गया है, क्योंकि हम चुनावी साल में हैं, अगले साल चुनाव होने वाले, फोकस एरिया क्या रहेगा? आप कुछ आइडिया दे सकते हैं तो? नहीं, मेरे विचार से तो सबसे बड़ा जो फोकस है कि आपने ज्यादा इनकम मिडिल क्लास के हाथ में दी है, और ये ना केवल मिडिल क्लास बल्कि सारे सेक्टर्स, सारे वर्गों को दी है ज्यादा। और वो उससे उसका लक्ष्य ये है कि कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की बढ़े, और कंजम्पशन स्टोरी की वजह से डिमांड बढ़े प्रोडक्ट्स की। जब डिमांड बढ़ेगी तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि कई साल से हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर आना जरूरी है, तो उसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना आवश्यक है। और जब ये बढ़ेगा तो देखिएगा आपकी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर ग्रो होनी चाहिए। जो 2000 से 2010 तक की जो ग्रोथ थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट 25 से 30% ऑफ अमिताभ योर कांत जी, जीडीपी एक बहुत बढ़ा छोटा था, सा सवाल तो उर्दू यही ग्रोथ से बढ़ाना जुड़ा हुआ, आवश्यक है। कि क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता रही है पैंडेमिक के दौरान कि जो अमीर हैं वो अमीर बिल्कुल होते गए, गरीब गरीब होते गए, बिल्कुल फासला बड़ा है। ये जो ग्रोथ का इम्पेटस मिल रहा है, क्या वो सबको साथ लेके चल पा रहा है? ये बजट क्या ये प्रोविजन देता है, बिल्कुल, इंक्लूसिव तभी ग्रोथ है? तभी देखिए, आप देखिए, तभी इसलिए इस बजट में बात की गई है आपके 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की, आपके एग्रीकल्चरल में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, स्किलिंग की बात की गई है, और नए एरियाज ऑफ स्किलिंग की बात की गई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, और जी आगे चल के 3D प्रिंटिंग हो, ये जी सारे नए एरियाज जरूरी हैं, और ये सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ हैं। तो इन एरियाज में जब आप स्किल करते हैं,
तो एक युवा वर्ग में आप एक नई डिसिप्लिन आगे ले आते हैं और उनके लिए नए जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारी जो जितने अनाउंसमेंट है ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के हैं जी। आज आलोचना विपक्ष इसी बात को लेकर कर रहा था कि इसमें रोजगार सृजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ज्यादा बातें नहीं की गई है। केवल 4 बार वित्त मंत्री ने रोजगार शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। जॉब क्रिएशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट से होता है, जॉब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से होता, जॉब क्रिएशन ग्रोथ से होता है। जॉब क्रिएशन जब तक आपका एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ नहीं बनता तब तक आप जॉब क्या क्रिएट करिएगा? आप क्या दारिद्रता पर जॉब्स क्रिएट करिएगा? आपको तो ग्रोथ चाहिए, आपको तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको तो कंजम्पशन ड्राइव करना चाहिए। जब ये सब होता है तब जॉब्स बनती हैं इकोनॉमी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ कांत जी हमसे बात करने के लिए।